रियल नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो रियल नंबर सिस्टम के अंदर जो डिस्कशन करना चाहेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं, वो डिस्कशन है हमारा नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन पे कैसे हम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किस किस तरह सेट बनते हैं, और सेट के भी थोड़ा बहुत पार्ट का एनालिसिस हम यहाँ करेंगे, ठीक है। देखो रियल नंबर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो रियल नंबर जो है कोई भी एक रियल नंबर जिसका स्क्वायर रूट कैसा रहे, ऑलवेज पॉजिटिव रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। दूसरी चीज़ हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक रियल नंबर लाइन है, इस रियल नंबर लाइन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि इधर माइनस इन्फिनिटी होता है और इधर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। बीच में एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं जीरो, ठीक है। जीरो के राइट हैंड साइड रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, इसको 1, 2, 3 इस तरह से इंटीजर से डिनोट किया जाता है। इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर -1, -2, -3, ठीक है। राइट हैंड साइड यानी कि आर एच एस ऑलवेज पॉजिटिव होगा जीरो का, और एल एच एस ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा जीरो से। जीरो से का जो एल एच एस होगा वो नेगेटिव होगा, जीरो का पॉजिटिव जो होगा वो आर एच एस वाला पार्ट होगा, ठीक है। दूसरी जो मैंने क्यों क्या कहा कि किसी भी स्क्वायर रूट जो होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो उसको हम डिनोट करेंगे मॉड ऑफ एक्स से, ठीक है ना। रियल नंबर के लिए जब हम डिनोट करेंगे स्क्वायर रूट को किसी भी नंबर के, मॉड ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे। और मॉड ऑफ एक्स से इसलिए डिनोट करें, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा जैसा कि हमने पहले बात की थी, और एक्स और माइनस एक्स रहेगा, ठीक है। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो देन वैल्यू इज जीरो, ठीक है। इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो किसी भी रियल नंबर के लिए, रियल नंबर की बात हमने यहाँ कर ली, नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे सेट के बारे में, सेट थ्योरी क्या होता है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है आपका, सेट थ्योरी ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसमें थोड़ा सा पढ़ना, उसमें टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट क्या है, ये सारी चीज़ रीड करना। अदरवाइज मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, उस पीडीएफ से भी आप उस चीज़ को, थ्योरेटिकल पार्ट है ओनली, ठीक है ना। जैसे आप रीड करोगे उससे समझ में आ जाएगा बात क्या कहना चाह रहा है, जो उतना ही हमें समझना है, यानी कि सेट क्या है, टाइप ऑफ सेट्स क्या क्या है, ठीक है, वो समझना है। और उसके आगे की जो चीज़ है मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई उस सेट थ्योरी के अंदर जो मेजर पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनियन का। यूनियन को डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। इस यू को मैंने बताया था सिंबल से हमने पढ़े थे, इस यू को हम और भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब दो सेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसे कैपिटल से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा जाता है, ठीक है। सपोज मैं लिख रहा हूँ ए, ठीक है, ए एक सेट हुआ जिसके पास एलिमेंट है 1, 2, 3 इस तरीके से एलिमेंट्स हैं। सेट बी लिखा मैंने, सेट बी है इसके पास, हो गया मेरे पास ABCD इस तरीके से, ठीक है। तो सेट के अंदर जब भी किसी चीज़ को हम डिनोट करते हैं तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलवेज लिखते हैं हम, ठीक है ना। सबसे पहले छोटी क्वांटिटी आती है, फिर ग्रेटर क्वांटिटी आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। कुछ सेट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे नेचुरल नंबर सेट। नेचुरल नंबर सेट में क्या था, 1, 2, 3 इस तरह के नंबर्स आते हैं। होल नंबर हम सेट पढ़ चुके हैं जिसमें 0, 1, 2, 3 इस तरह से आता है, ठीक है ना। इंटीजर सेट पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सारे सेट ही होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो वेल डिफाइन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो हम बात करने वाले हैं कुछ नोटेशंस के बारे में बात करने वाले हैं यूनियन की, जैसे मैंने बोला यूनियन। दूसरा होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को ऐसा उल्टा यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसका वर्ड मीनिंग समझा जाए तो वो होता है एंड, ठीक है। ये दो मेजर पार्ट हम यहाँ यूज में लेने वाले हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर जब हम आगे बात करेंगे इंटरवल्स के बारे में, तो यूनियन और इंटरसेक्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। देखो यूनियन का मीनिंग क्या हुआ कि सपोज मेरे पास सेट ए है, एक सेट ए है, इस सेट के पास एलिमेंट है ABCD, ठीक है। सेट बी है, सेट बी के पास एलिमेंट मान लीजिए हम लेते हैं 1, 2, 3, ये एलिमेंट है, ठीक है। 1, 2, 3 ABC ये एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी, दो ऑपरेशन हमारे पास बनेंगे, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, और भी कई सारी चीज लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहां बात इन्हीं दो के बारे में करना चाहूंगा। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, दो सेट को करेक्ट करने वाला सेट नोटेशन, ठीक है। जैसे करेक्ट करेंगे देखो क्या होगा, यूनियन, यूनियन क्या,
ए और बी, यानी ए और बी के पास जो जो एलिमेंट्स है, तो ए के पास क्या क्या है, ए बी सी डी है, इसके पास क्या है 1 2 3 ए बी सी। अब दोनों के पास जो कॉमन पार्ट है वो तो एक ही बार लिखेंगे, ऐसा थोड़ी कि इसके पास बी बी सी, इसके पास बी बी सी, हम बार बार ए बी सी लिखते रहे इसके अंदर, ठीक है ना। तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो पहले लिखूंगा ए बी सी डी, सेट ए के सारे एलिमेंट लिख दिए मैंने, ठीक है। अब सेट बी के एलिमेंट लिखता हूं, तो 1 2 3 और ए बी सी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये क्या हो गया, इसका यूनियन हो गया। ऐसे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को अब हम ये समझ सकते हैं कि दोनों के बीच का कॉमन, यानी कि एंड, यानी कि ए एंड बी, यानी ए और बी के पास जो दो चीजें हैं, ठीक, दोनों सेट के पास जो है, तो ए एंड बी, देखो ए के पास, सेट ए के पास ए है, सेट बी के पास ए है, क्या है, तो ये आ जाएगा इसमें, सेट बी, सेट ए के पास बी है, सेट बी के पास बी है, इसको भी लिख देंगे, सेट ए के पास सी है, सेट बी के पास भी सी अवेलेबल है, सेट ए के पास डी है लेकिन इसके पास डी अवेलेबल नहीं है, ऐसे ही बी और ए में भी क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यही तीन एलिमेंट है जिन दोनों के पास कॉमन है, तो ये हो गया यूनियन और ये हो गया इंटरसेक्शन। तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है, यूनियन यानी कि एक तरीके समझा जाए इस चीज को, सेवल समझने के लिए बोल रहा हूं मैं, एलसीएम, और दूसरा हो गया क्या, एचसीएम, एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, लेकिन एक्चुअल मीनिंग ये है नहीं है, ठीक है ना। कॉमन इसमें हमें ऐसा ध्यान रख सकते हो कि इन दोनों कॉमन जो पार्ट होगा वो इंटरसेक्शन होगा, और दोनों के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स होंगे, वो हमारा यूनियन हो जाएगा, ठीक है, समझोगे बात। तो ये थोड़ा ब्रीफ नॉलेज मैंने सेट के बारे में दिया है आपको, हम इसको सेट इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। हालांकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है फंडामेंटल्स के अंदर, तो इसको मैंने अभी इस तरीके से एक्सप्लेन आपको किया है, ठीक है। वापस आते हैं हमारे चैप्टर के, हमारे टॉपिक के ऊपर, टॉपिक जो हमारा है रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अब देखो सेट के बारे में बात कर ली हमने, नंबर लाइन के बारे में बात कर ली, अब इस नंबर लाइन के ऊपर जो इंटरवल रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल, ये हम समझते हैं, ठीक है। देखो इंटरवल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या है कि अगर मान लो लिखा हुआ है हमारे पास, देखो इंटरवल रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है हमको कि जो इंटरवल हमें गिवन है या जो इंटरवल मैं लिखना चाहता हूँ उसे मैं नंबर लाइन पे चेक करूंगा, ठीक है। अब नंबर लाइन पे चेक करने के लिए देखो दो चीजें हमारे पास होती हैं, जो हम यहाँ पे जो सिंबल्स काम में लेने वाले हैं वो सिंबल्स क्या क्या होंगे, ग्रेटर देन हो सकता है किसी क्वांटिटी से, लेस देन हो सकता है किसी क्वांटिटी से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है, तो तीसरा चौथा हो सकता है लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। एक इन सब कंडीशन को मिला के हम ये भी कह सकते हैं कि भाई लेस नॉट इक्वल्स टू वाले कंडीशन को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, और फोर्थ कंडीशन इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी, यानी कि इक्वल्स टू जहाँ आएगा वो इक्वेशन हो जाएगा, बाकी सारी क्वांटिटी, बाकी सारे सिंबल्स जो होते हैं वो इनइक्वालिटी में काउंट होते हैं, इन इक्वेशंस में काउंट होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो अब हम बात करते हैं वापस से नंबर लाइन के बारे में, इन सब के बारे में मैंने बात कर ली। अब नंबर लाइन पे मैंने कहा कि ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन, अब सपोज मैंने कहा ग्रेटर देन वन, तो ग्रेटर देन वन का मीनिंग क्या हो गया, इस वन से ग्रेटर देन, ऐसे ही कहेंगे ना। मैंने कहा लेस देन, लेस देन, सपोज मैंने एक पॉइंट लिया वन, तो लेस देन वन कहाँ जाएगा, इधर की तरफ, यानी किसी भी पॉइंट का ग्रेटर देन मतलब उस पॉइंट का राइट हैंड साइड, लेस देन मतलब उस पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वो पॉइंट और आर एच एस, और लेस देन इक्वल्स टू यानी कि पॉइंट एंड लेस एल एच एस, ठीक है, समझने की बात। यानी कि इसका मीनिंग जो हुआ आर एच एस ऑफ पॉइंट, इसका मीनिंग हो गया एल एच एस, इसका पॉइंट एंड आर एच एस, और इसका मीनिंग हो गया पॉइंट एंड एल एच एस, ठीक है। जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट से लेस देन ग्रेटर देन दिया हुआ होगा उसके रेस्पेक्ट में हम इन कंडीशंस को लिख सकते हैं। इक्वल्स टू का मीनिंग, इक्वल्स टू का मीनिंग तो पॉइंट हो ही गया, और नॉट इक्वल्स टू का मीनिंग है वो पॉइंट के अलावा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग दैट पॉइंट, ठीक है। अब इस चीज को जैसे हमने लिखा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो क्या इस चीज को जब सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए ब्रैकेट्स यूज में लेते हैं, ब्रैकेट किस तरीके से यूज में लेते हैं, देखो हमारे पास ब्रैकेट्स कौन कौन से, एक करली ब्रैकेट होता है, लेकिन जो करली ब्रैकेट है थोड़ी देर पहले हम यूज में ले चुके हैं, किस चीज के लिए, सेट के लिए, सेट के लिए काम में ले लिया हमने करली ब्रैकेट, यानी कि सेट, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, केवल और केवल वही एलिमेंट हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब सेट और इंटरवल में डिफरेंस क्या है, सेट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सेट में मतलब वो जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, केवल वही हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन इंटरवल क्या होता है, जैसे ग्रेटर देन की बात करते हो, ग्रेटर देन मैंने कहा ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट से लेकर सारी क्वांटिटीज, अब इस पॉइंट से लेकर सारी क्वांटिटीज जो है वो डेफिनेट है क्या, नहीं, इनडेफिनेट क्वांटिटीज है, क्यों, क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में
आने वाले जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, वो भले ही इंटीजर ना हो लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि 1.0 से लेकर 1.1 के बीच में कितने वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि केवल इस बहुत छोटे से पार्ट के अंदर ही बहुत सारी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं। तो सोच लो ग्रेटर देन वन के अंदर जो इंटरवल, जो क्वांटिटीज आएंगी वो कितनी सारी होंगी, ठीक है। तो उसी चीज को डिनोट करने के, उसी चीज को हम यहाँ इनइक्वलिटी में डिफाइन करें, यानी कि उसको हम इंटरवल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस इंटरवल को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे वो चीज याद रखनी है आपको। देखो एक आता है स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरा आता है सर्कल ब्रैकेट, ठीक है, और थर्ड जो ब्रैकेट हम बना सकते हैं वो इस तरह का होगा और फोर्थ इस तरह का होगा, ठीक है। ये जो इंटरवल होता है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा जाएगा वो होगा क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे सपोज इसमें लिखा हुआ है ए कॉमा बी क्लोज, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ए टू बी एंड ऑल्सो ए एंड बी, ए से बी जितने भी इंटरवल, यानी कि ऐसा लिखा हुआ है तो ए से लेकर बी तक के सारे एलिमेंट और ए एंड बी भी, यानी क्लोज है तो दोनों एलिमेंट भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल में देखो ओपन ए कॉमा बी, इसका मीनिंग समझने के लिए हम ऐसा हैं ओनली ए टू बी, यानी कि ए से लेकर बी के एलिमेंट है। अब इसमें मैंने ये भी चीज मेंशन नहीं किया एंड ऑल्सो ए एंड बी, तो यानी कि वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। सेमी क्लोज, सेमी ओपन। सेमी क्लोज, सेमी ओपन का मतलब समझ सकते हो कि जहां पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज में लिया जा रहा होगा वो पॉइंट इंक्लूड होगा, जहां ओपन ब्रैकेट आ रहा होगा वहां पर वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा है यहां पर ए कॉमा बी, ठीक है, तो ए टू बी तो हो ही गया दोनों के अंदर एंड ऑल्सो ए, समझे की बात, ठीक है, केवल ए इंक्लूड होगा इसके अंदर। ऐसे ही नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर क्या लिख सकते हो, अगर मैंने इसमें लिखा ए कॉमा बी, बी पे क्लोज लगा इस पे ओपन लिखा, तो ए टू बी तो होगा ही सही एंड ऑल्सो बी, यानी कि एलिमेंट बी और इंक्लूड इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरवल्स आपको ध्यान रखना है, इनइक्वलिटीज आपको समझ में आएगी होंगी क्या इनइक्वलिटीज किस तरीके से रिप्रेजेंट की जा रही है, ठीक है, और सेट थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिया है, ठीक है। अब इस चीज को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, यानी कि इन ब्रैकेट्स को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, वो चीज आप यहां ध्यान से देखना। देखो ये नोट करने के बाद सपोज मैंने लिखा इंटरवल फॉर्म के अंदर टू कॉमा थ्री क्लोज, इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, देखो ये रही नंबर लाइन हमारी, ठीक है, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस नंबर लाइन के अंदर मैंने लिया टू थ्री, ठीक है, तो टू कॉमा थ्री को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखेंगे हम, देखो जहां पर भी आपको पॉइंट इंक्लूड करना है उस पर डार्क सर्कल कर लो ताकि याद रहे आपको, ठीक है। थ्री, थ्री पे भी क्लोज है, इसको भी डार्क कर लिया हमने, ठीक है, और इसको हाईलाइट कर दो भाई, जो सॉल्यूशन हमारा है उसे हाईलाइट कर देते हैं हम, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा कौन सा है, ये सॉल्यूशन होगा हमारा, ठीक है, तो इसे हमने हाईलाइट कर दिया ऐसे करके, इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या रह जाएगा नंबर लाइन में, हम ये देख सकते हैं टू से लेकर थ्री तक हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। जैसे सपोज मेरे पास एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, थ्री कॉमा थ्री कॉमा माइनस थ्री कॉमा सेवन ओपन यूनियन यूनियन 11 टू 14 ऐसा लिखा हमने, ठीक है, माइनस 3.7 यूनियन 11 टू 14, इसे मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे हम, देखो जो जो नंबर्स हमारे पास है उसे नंबर लाइन पर प्लॉट करना है हमें। सबसे पहला नंबर कौन सा है, माइनस 3 स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, सेकेंड क्या हो गया 7, ठीक है ना, थर्ड कौन सा हुआ 11 और फोर्थ कौन सा हुआ 14, ऐसा लिखा हमने, ठीक है। अब सबके ऊपर ओपन ब्रैकेट है तो ओपन है तो क्या कर लेंगे, आप होलो सर्कल बना देंगे इस तरीके से ताकि हमें ध्यान रहेगा कि ये पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद
जो जो इंटरवल बोला गया हमसे उसको हम हाईलाइट करेंगे। देखो हाईलाइट करने के लिए देखो ये वाला पार्ट दिया हुआ है एक तो, देखो माइनस थ्री टू सेवन ठीक है, फिर यूनियन, यूनियन ये नहीं किया ये भी इंक्लूड होगा, तो 11 to 14, समझा की बात ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरवल फॉर्म को नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं और नंबर लाइन से हम इसको इंटरवल में डिनोट कर सकते हैं ठीक है। और एक दो एग्जांपल्स देखो, ये यूनियन वाले एग्जांपल्स हुए, ऐसे इंटरसेक्शन वाले भी कंडीशन हम देख सकते हैं। देखो अगर मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन माइनस टू कॉमा फोर क्लोज यूनियन माइनस वन टू एट, ऐसा लिखा ठीक है, इसको यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन कर लेते हैं हम, इंटरसेक्शन ठीक है। इसे मुझे नंबर लाइन पे दिखना है, सॉल्यूशन दिखना है कैसा बनेगा। देखो नंबर लाइन लिखी हमने ठीक है, उसके बाद माइनस टू टू फोर, तो माइनस टू से लेकर फोर तक रिप्रेजेंट किया मैंने, माइनस टू और फोर ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। दूसरा क्या माइनस वन, तो माइनस वन पहले आएगा ना माइनस टू से, तो माइनस वन और इधर आ जाएगा एट ठीक है। तो अब इसका इंटरसेक्शन मैं करके देखता हूं कैसा इंटरसेक्शन बनेगा। तो देखो माइनस टू टू फोर यानी कि ये पार्ट कहा है हमसे, कहा ना कि नहीं कहा ठीक है, और दूसरा कौन सा पार्ट बोला है हमसे माइनस वन टू एट यानी कि ये वाला पार्ट। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या हुआ, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट देखो, कॉमन पार्ट अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो कॉमन पार्ट हमें दिखाई दे रहा है जहां पर ब्लू और ब्लैक दोनों है, तो ऐसा पोर्शन कौन सा हुआ, ये पोर्शन है ना, समझे बात। तो यानी कि एक्चुअल में जो सॉल्यूशन हुआ, यानी कि इसके इंटरसेक्शन का जो सॉल्यूशन हुआ वो क्या हुआ, माइनस फोर वन टू फोर, समझे बात। अब तुम कहोगे इसमें ऐसा क्यों नहीं लिखा था हमने, क्योंकि यूनियन के अंदर जो इंटरवल दिया हुआ है वही फाइनल इंटरवल है। हाँ अगर ऐसा होता कि इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट हो रहे होते, कॉमन बन रहा होता, तो हम उसको कनेक्ट करके लिख सकते थे ठीक है। जैसे अगर मैं इसी चीज को यूनियन के अंदर फॉर्म में लिखता, अगर मुझे इसको यूनियन में कन्वर्ट करना है, यूनियन मुझे लिखना है इसका, तो मैं सॉल्यूशन जब फाइनल सॉल्यूशन लिखने जाऊंगा कैसा लिखूंगा, देखो माइनस टू से लेकर फोर तक बोला गया है, फिर माइनस वन से लेकर एट तक बोला गया है ठीक है। तो कॉमन पार्ट अगर मैं देखूंगा इसका, तो देखो माइनस वन से लेकर फोर तो दोनों के पास में है कि नहीं है, माइनस टू से लेकर वन फर्स्ट वाले के पास है और फोर से लेकर एट सेकंड वाले के पास है। तो जब कॉमन पार्ट लूंगा तो कॉमन पार्ट कितना, माइनस टू से लेकर एट लिख सकता हूं ना मैं, सॉरी कॉमन पार्ट नहीं, दोनों का अगर यूनियन में लिखूंगा तो यूनियन माइनस टू से लेकर एट तक लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो माइनस टू टू एट कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, समझे की बात ठीक है। लेकिन इस यूनियन के अंदर क्या हुआ, दो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं जिनकी, इसके पास ये इंटरवल है, उसके पास ये इंटरवल है, दोनों कंबाइंड नहीं हो पाए क्योंकि इसके बीच के जो एलिमेंट है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये एलिमेंट इसके पास दोनों के पास है तो ये दोनों में काउंट हो गए, और दोनों के पास जो एडिशनल एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइंड करके उसने उसको हमने एक सेट में कन्वर्ट कर सकते, सेट बन जाएगा माइनस टू से लेकर एट तक यूनियन वाला पार्ट ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अगर मुझे इसी चीज को वेरिएबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, जैसे मेरे पास सॉल्यूशन, मुझे सॉल्यूशन दिया गया है माइनस थ्री टू फोर, ऐसा कि दिया इंटरवल, और दूसरा इंटरवल मुझे दे दिया माइनस टू टू सेवन ठीक है, इसका यूनियन निकालना है और दूसरा इसी चीज का इसकी जगह पर इंटरसेक्शन निकालेंगे, दो पार्ट कर दिया हमने इसके, यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ, दोनों क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो देखो जब मैं यूनियन के बारे में बात करूंगा तो मैंने नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया, नंबर लाइन पे लिखूंगा मैं इसको, तो कैसा लिखेंगे देखो, जो नंबर्स हमारे पास में सारे नंबर्स डिनोट कर लेते हैं, फोर माइनस टू सेवन ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना तो क्लोज लगाना नहीं भूलना है, फर्स्ट ब्रैकेट के अकॉर्डिंग क्लोज लगाया हमने और इसे मार्क कर दिया ठीक है, और दूसरे इंटरवल के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, माइनस टू टू सेवन, ये आ गया, इसमें भी क्लोज है दोनों पे ठीक है। अब जब मैं यूनियन की बात करता हूं तो देखो सबसे पहले मार्क कर लो दोनों का कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, ये दोनों का कॉमन पार्ट हो गया ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट के जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, x, यानी कि x की वैल्यूज हुई इंटरवल फॉर्म में, तो x बिलोंग्स टू मेरे पास क्या आएगा, देखो माइनस, देखो ये पार्ट तो दोनों के पास है और एडिशनल पार्ट ये दोनों के पास जो अवेलेबल है इसको भी काउंट कर देंगे हम ठीक है। जैसे यूनियन के अंदर मैंने बताया था ना कि जो दोनों के पास कॉमन है वो तो लिखना ही है, उसके साथ साथ जो ए और बी दोनों सेट के पास में अवेलेबल है वो चीजें भी हमें लिखनी है ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू मैं कितना लिखता हूँ, माइनस थ्री टू सेवन, डायरेक्टली मैं ऐसा लिख दूं ठीक है। अब इस चीज को हम इनइक्वालिटी में कैसा लिख सकते हैं, देखो इनइक्वालिटी के अंदर हम इसको ऐसा लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री एंड एक्स इज लेस देन सेवन,
ये सिस्टम ऑफ इनइक्विटी के अंदर, यानी ग्रेटर देन लेस देन के इक्वल का, ठीक है। दूसरी चीज क्या, इक्वल्स टू लगा हुआ है, इक्वल्स टू है तो क्या जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, इन इक्वेशन के अंदर, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला गया हमसे, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट ये है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू फोर, ऐसा लिखेंगे। अब इसको मैं इनइक्विटी में कन्वर्ट करता हूं तो कैसा लिखूंगा, एक्स लाइज बिटवीन माइनस टू टू फोर, समझ आई बात कि नहीं आई, ठीक है। इंटरवल दिया हुआ है, उसको इंटरवल को हमने क्या कर किया, वेरिएबल के फॉर्म में, यानी कि वेरिएबल इनइक्विटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब इनइक्विटी की भी बात कर लेते हैं, अगर इनइक्विटी गिवन हो तो हम कैसे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे सपोज मान लो लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर, तो क्या करते हैं उसके लिए एक नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन में डिनोट किया हमने प्लस, ठीक है, इधर हो जाएगा इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या लिखा था, पॉइंट एंड आरएचएस पार्ट, तो इस पॉइंट के आरएचएस वाला पार्ट, यानी कि ये पार्ट और ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा, तो क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो क्या लिखूंगा मैं, x बिलोंग्स टू, यहां जो साइन यूज में ले रहा हूं बिलोंग्स टू, फर्स्ट डे जब सिंबल्स लिखा है जैसे बताया था, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब उन एलिमेंट को बिलोंग करने वाला पार्ट, ठीक है। बिलोंग्स टू कितना लिखेंगे, 4, 4 पे क्योंकि क्लोज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है, इक्वल्स टू दिया हुआ है, कॉमा इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी जो है वो ऑलवेज ओपन रहते हैं, क्योंकि वो पॉइंट इंक्लूड हो ही सकता, और क्यों नहीं होता, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो हम x मैंने लिया lies between माइनस थ्री टू सेवन, ठीक है, इसे नंबर लाइन पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे लिखूंगा, माइनस थ्री सेवन, ठीक है, तो माइनस थ्री से लेकर सेवन तक का पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू सेवन, समझ आई कि नहीं, यही बात, ठीक है। इस तरीके से नंबर इंटरवल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी भी इनइक्वालिटी को हम नंबर लाइन के फॉर्म में, नंबर लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी भी इंटरवल को हम किसी वेरिएबल इनइक्वालिटी के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं टॉपिक, हमारे टॉपिक, मेन टॉपिक के ऊपर, इन इक्वेशंस के ऊपर, ठीक है। देखो इन इक्वेशन वाले टॉपिक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है, आप ध्यान समझना, ये नया टॉपिक होगा आप लोगों के लिए जिन्होंने फाउंडेशन बैच पढ़ा है, जो फाउंडेशन बैच में वो लोग इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए भी, क्योंकि वो बहुत पहले पढ़े हुए थे, ठीक है ना, अभी ध्यान से इस चीज को समझना है। हम यहाँ पे इनइक्विटी के अंदर कई टाइप की इनइक्विटीज के बारे में बात करने वाले हैं, कई फंक्शंस की इनइक्विटीज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ समझ लेंगे, आपके पास टाइम भी काफी सारा है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं काफी बड़ी डीपीपी असाइनमेंट दूंगा, जिसे आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस के, इनइक्विटीज के ऊपर। देखो इनइक्विटीज, नेम से क्लियर हो रहा होगा, नेम से क्या क्लियर हो रहा है, इनइक्विटीज यानी कि इक्वलिटी नहीं है, इन इक्वेशंस यानी कि इक्वेशन नहीं है। तो बात सबसे पहले उठती है कि इक्वेशन नहीं है तो इक्वेशन क्या होती है, तो बचपन में ही तुम पढ़ के आए हो इक्वेशन के बारे में, कि इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल्स टू साइन होता है, यानी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर इक्वल्स टू जीरो कर दे, यानी कि जिसके पास LHS और RHS पार्ट होगा, यानी किसी इक्वेशन में इक्वल्स टू जीरो बन जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑलवेज इक्वेशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना इस चीज को, मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दोनों चीजों में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, बिल्कुल 100% डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक इक्वेशन है, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 10th क्लास में पढ़ के आए हो तुम, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हालांकि तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए हो 10th क्लास के अंदर, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ एक पूरा चैप्टर फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हालांकि सिलेबस पे इतना ब्रॉड लेवल पे नहीं दिया हुआ होगा वो चैप्टर, लेकिन फिर भी जेई मेंस और एडवांस के अंदर के क्वेश्चन आने की वजह से उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो वापस टॉपिक पे आते हैं, देखो समझ में आई बात, ये पॉलिनोमियल हुआ और ये इक्वेशन हुआ, यानी कि जिसमें इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जिसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस मिले उसे हम इक्वेशन कहेंगे। इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, इसमें एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, कितनी वैल्यू पुट करते जाओ, आप आंसर आता जाएगा हमारे पास, लेकिन इसमें क्या होगा, जब मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन पुट करूंगा तो ही इसकी वैल्यू जीरो बनेगी, और कई केसेस तो ऐसे भी हुए थे जहां पर इक्वल्स टू वैल्यू जो है जीरो किसी रियल नंबर के लिए बनी ही नहीं थी, जहां पर तुमने पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, ये सारी कहानी पढ़ी है ना, ठीक है। तो वो सब कहानी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ध्यान ये रखना है आपको, जहां पर सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन आते हैं उसे इक्वेशन कहेंगे, और जहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल कहेंगे, या सिंपल लेकिन जो बात कहें तो इक्वल्स टू जीरो होगा तो इक्वेशन है,
और इक्वस्ट और पॉलीनोमियल है तो पी ऑफ एक्स यानी कि आउटपुट आता ही जाएगा, उसे हम पॉलीनोमियल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं हम इन इक्वेशन के पास। भाई अब समझ में आया क्या होगा, जिसके पास इक्वलिटी है वो इक्वेशन है और जिसके पास इनइक्वलिटी है वो इन इक्वेशन है। ठीक है, इन इक्वेशन, ठीक है। अब इन इक्वेशन यानी कि जब इक्वेशन था तो इक्वल्स टू है, और जब इन इक्वेशन है या इनइक्वलिटी है तो मैंने पहले लिखा है साइंस ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सब इन इक्वेशंस हैं। ठीक है, इसमें ज्यादातर जो साइन यूज में आते हैं वो ये चार साइन यूज में आते हैं, क्योंकि इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू तो हम ये कह सकते हैं भाई जहां जीरो हो रहा है उसके अलावा जो सारा इंटरवल है वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू में जाएगा। ठीक है, ये सिंबल्स है। ठीक है, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम बात करने वाले हैं यानी कि x बिलोंग्स टू R के अंदर से ही बात करेंगे हम, यानी कि जो हमारा सेट रहेगा वो रियल नंबर सेट रहेगा। रियल नंबर सेट यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि जो आपकी नंबर लाइन है उस नंबर लाइन पे ही डांस करना है आपको, उसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है, यानी कि इमेजिनरी वैल्यूज और इनके बारे में डिस्कशन हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम जितनी भी बात करेंगे हम रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही टॉपिक का नाम क्या लिखा था, रियल नंबर सिस्टम, यानी कि जितनी भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो सब रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें स्टार्ट करते हैं हम इनइक्वलिटी के अंदर टाइप वन से, टाइप वन इनइक्वलिटी। टाइप फर्स्ट इनइक्वलिटी हमारी लीनियर इनइक्वलिटी, क्या है लीनियर इनइक्वलिटी। देखो लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए हो, जिसके लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ के आए हो, ऐसी लीनियर इनइक्वलिटी वन वेरिएबल के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या था, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो था। लीनियर इक्वेशन क्यों बोला इसे, इसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, वन है, डिग्री वन होने की वजह से इसे इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहा गया। और इसके पास सॉल्यूशन कितने आएंगे, वन सॉल्यूशन, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, माइनस बी बाय ए। इनइक्वलिटी पढ़ने के लिए इक्वेशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, है ना। देखो टाइप वन इनइक्वलिटी यानी कि टाइप वन इनइक्वलिटी में क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ए एक्स प्लस बी लेस देन जीरो, ऐसे ही बाकी अदर केस भी लिख सकते हो, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इक्वेशंस को सॉल्व किस तरीके से करते हैं हम, देखो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा। जैसे मैंने इसको पहले क्या लिखा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन फॉर्म में डिनोट किया हमने इसको, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो करते ही मेरे पास एक्स आ गया, एक्स क्या आया, माइनस बी बाय ए। ये वैल्यू को आपको लिख लेना है, ठीक है, जो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हाईलाइट करने के बाद इसको उठा के नंबर लाइन पे रख दो। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ किया, नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये पॉइंट सपोज माइनस बी बाय ए मेरे पास यहाँ कहीं आ रहा है, अभी हमारे पास ये बी और ए की वैल्यू चाहे नहीं जो हम एग्जैक्ट अमाउंट आइडेंटिफाई कर पाए नंबर लाइन पे कहाँ होगा। ठीक है, सिंबोलिकली हमने इसको ऐसा लिख लिया, माइनस बी बाय यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब वापस जाओ कहाँ पर, इन इक्वेशन के पास। इन इक्वेशन के पास जाने के बाद क्योंकि हमसे क्या कहा गया, ग्रेटर देन जीरो, देखो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मैंने क्या कहा था, आरएचएस ऑफ पॉइंट, आरएचएस ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे ही जब मैं इस इक्वेशन को, या वापस से यहीं पर आ जाओ, तो जब मैं इसको लिखूंगा तो कैसा लिखूंगा, एक्स प्लस बी ग्रेटर देन जीरो यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस बी बाय, ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस बी बाय ए, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस बी बाय ए का मीनिंग क्या हुआ, आर एच एस पार्ट ऑफ दैट पॉइंट, आर एच एस पार्ट ऑफ दैट पॉइंट यानी कि इस पॉइंट का आर एच एस यानी कहाँ होगा, इस तरफ होगा, ये पॉइंट हमसे कहा गया। इन अदर लैंग्वेज कभी भी कोई क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो है यानी कि क्या बोला जा रहा है आपसे, पॉजिटिव बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है आपसे, पॉजिटिव बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है आपसे, पॉजिटिव बोला जा रहा है। ये ध्यान रखना, तीन बार रिपीट किया है मैंने, अगर किसी क्वांटिटी को ग्रेटर देन जीरो बोला गया है दैट मीन्स उसके पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो कभी भी जब हम लिखेंगे उस पॉइंट को लिखने के बाद आरएचएस साइड में हम ऑलवेज प्लस लगाएंगे और एलएचएस साइड में ऑलवेज माइनस लगाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट है तो ठीक है, एलएचएस साइड क्या लगाया हमने, एलएचएस साइड लगाया हमने माइनस और आरएचएस साइड क्या लगाया हमने प्लस। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो बोला जा रहा है तो क्या सॉल्यूशन डिमांड की जा रही है हमसे, पॉजिटिव। समझे बात, ऐसा ध्यान रखना है आपको, ग्रेटर देन साइन बोला गया यानी कि डिमांड है हमारी पॉजिटिव की, तो सॉल्यूशन कैसा लिखेंगे, तो ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन माइनस बी बाय ए यानी कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी बाय ए टू इन्फिनिटी। क्लियर हुई कि नहीं बात, ठीक है,
सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिखो, नंबर फाइंड करो, नंबर फाइंड करके नंबर लाइन ड्रॉ करो, उसके आरएचएस पार्ट प्लस लिखो और नेगेटिव पार्ट एलएचएस पार्ट पे नेगेटिव साइन लगाओ। डिमांड हमारी पॉजिटिव की है, पॉजिटिव जहां हमने साइन अप्लाई किया है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान हमेशा ये रखना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट को आपको ऑलवेज पॉजिटिव रखना है। जितनी भी इनइक्वलिटी हम पढ़ने वाले हैं वहां पर एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या दूसरी लैंग्वेज में ऐसा बात करते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सही बात, क्योंकि लीनियर है तो एक ही वेरिएबल लीनियर है तो एक ही टर्म एक्स की है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, क्यूबिक होगा तो एक्स क्यूब का पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा इसलिए याद करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैंने बोला है कि इस पॉइंट का आरएचएस ऑलवेज पॉजिटिव होगा और एलएचएस ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो एक यूनिक कंडीशन हमारे पास ये बन के सामने आ जाएगी। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को वापस से रिशफल करते हैं यानी कि उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे तो मुझे इस सॉल्यूशन को अपोजिट करना पड़ेगा। तो बार बार ये अपोजिट करना और इन सब चीज़ों को ध्यान रखने से अच्छा है हम एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखें कि हमारे पास एक्स की जो हाइएस्ट पावर है, एक्स की जो हाइएस्ट पावर टर्म रहेगी उसका साइन ऑलवेज पॉजिटिव रखना है, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो माइनस मल्टीप्लाई करके हमें उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हाँ, माइनस मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं वो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो इस टाइप के क्वेश्चन पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन हमने लिया तो एक्स टू एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो ऐसा लिया हमने। ठीक है, तो इस इनइक्वलिटी को मैं क्या लिखूंगा, इसको सीधे सीधे हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। x इज ग्रेटर देन 1 बाय 2, x ग्रेटर देन 1 बाय 2 हुआ इसका मीनिंग क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू क्या बोल रहा है 1 बाय 2 टू इनफिनिटी, ऐसा डायरेक्ट मैंने सॉल्यूशन लिख दिया। लेकिन आपको करना क्या है, अभी समझ में तो आया नहीं हो, समझ में जब तक आपको श्योरिटी ना हो जाए, आपको चैप्टर समझ में ना आ जाए तब तक आपको क्या करना है, नंबर लाइन लेना है, उस पर जो भी पॉइंट आपका आता है उसको डिनोट करना है। ठीक है, प्लस और माइनस साइन अप्लाई करना है, उसके बाद डिमांड किस चीज की है, पॉजिटिव की, तो उसको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट कर देना है उसको। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू कितना हो गया, देखो 1 बाय 2 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि इक्वल्स टू साइन नहीं था तो हमें इक्वल्स टू पॉइंट इंक्लूड हमें नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ठीक है, ऐसा लिखा हमने इसको। अब देखो हम इक्वेशन को किस तरीके सॉल्व करते थे, इस टाइप की इक्वेशंस को ये भी वेरिएबल पार्ट एक साथ करते थे और कांस्टेंट पार्ट को एक साइड लेके जाते थे। अभी भी वही काम करना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करने पर इनइक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो 2x को उधर लेके आऊंगा तो x माइनस 2x हो जाएगा, और 3 को उधर लेके जाता हूँ तो 3 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 2x क्या हुआ, माइनस x हुआ, और इधर हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, अब वहां इक्वेशन के अंदर जो हम काम करते थे तुरंत क्या करते थे, माइनस मल्टीप्लाई करते थे बोथ साइड और माइनस मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा लिख देते थे। तो क्या यहां पर भी हम उस माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं माइनस मल्टीप्लाई, लेकिन उस माइनस को मल्टीप्लाई करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चीज आपको सोचनी है। देखो एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाता हूं इस चीज को। मैंने लिखा माइनस 3 इज लेस देन माइनस 2, बात सही है, माइनस 3 जो है वो माइनस 2 से छोटा है। ठीक है, दूसरी चीज मैं लिखता हूं कि 2 इज ग्रेटर देन 1, ऐसा लिखा मैंने। ठीक है, और थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया माइनस 3 इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, बात सही है, इनइक्वलिटीज के अंदर अगर हम बात करते हैं, माइनस 3 जो है माइनस 2 से 1 छोटा है, 2 जो है 1 से बड़ा है, और माइनस 3 जो है वो 1 से छोटा है। ठीक है, अब मैं बोथ साइड अगर माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ या माइनस का डिवाइड करता हूँ तो इनइक्वलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो आपको समझना है। देखो मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तुरंत से, ठीक है, कर दिया तो 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या इनइक्वलिटी हमें अभी भी एज इट इज रहेगी, बोलो, समझो इस चीज को। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3 जो इनइक्वलिटी थी यहाँ पर वही मैंने यहाँ अप्लाई किया तो 3 इज स्मॉलर देन 2, बात सही है क्या, बात सही नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 2 से छोटा नहीं हो सकता, 3 2 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। सही बात, नेक्स्ट कंडीशन पर आओ, यहाँ पे मैं बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 1, बात सही है क्या, माइनस 2 माइनस 1 से बड़ा है क्या, नहीं है, क्या हो जाएगा इसका मतलब, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, माइनस 2 जो है माइनस 1 से छोटा हो गया, यानी कि जो इनइक्वलिटी थी उसका अपोजिट हो गया, जो इनइक्वलिटी थी उसका अपोजिट हो गया। अगले वाले भी देख लो, माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ 3 स्मॉलर देन माइनस 1, तो क्या जो इनइक्वलिटी हमने अप्लाई की है वो सही है, जो इनइक्वलिटी रखी हमने सही है, नहीं है, क्योंकि माइनस 3 माइनस 1 से छोटा नहीं हो सकता, माइनस 1 से बड़ा होगा। यानी कि माइनस मल्टीप्लाई करने से हुआ क्या कि जो भी इनइक्वलिटी का साइन था वो चेंज हो गया,
ग्रेटर देन था तो लेस देन हो गया, लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ऐसे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है तो भी चेंज होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, हम पहली बात को इक्वेशंस के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से, इनइक्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, समझा की होगी बात। अब देखो तो यानी कि जब मैं यहाँ माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई बोथ साइड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। लीडिंग कोफिशियंट यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशियंट नेगेटिव था इसलिए हमने माइनस मल्टीप्लाई किया, देन पॉइंट जो आया उसका प्लस और माइनस, हमें सॉल्यूशन कैसा चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि बोला गया है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, तो यानी कि इसके राइट हैंड साइड वाला पार्ट, तो सॉल्यूशन कैसा लिखेंगे हम, एक्स बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी, क्लोज आएगा कि नहीं, क्लोज आएगा, क्यों, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बोला गया है, समझ बात इनइक्विटी की, ठीक है। ये लीनियर इनइक्विटीज है, इससे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।